जय हिंद दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन में दोस्तों आज 19 जुलाई को दोस्तों देश के 12 सेंटर से दोस्तों मैं अपडेट आपको देने वाला हूं। कितने बच्चे पास हुए, कौन कौन से ट्रेड क्वेश्चन आए और दोस्तों कितने बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन में फेल कर दिया गया, कितने बच्चे फेल हुए ट्रेड टेस्ट में, फिजिकल में, उसकी ए टू जेड पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देश की टोटल 12 सेंटर्स की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों देश के 12 सेंटर से। दोस्तों अभी क्या हो रहा है, फिजिकल और दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट एक ही दिन में कंडक्ट करा दिया जा रहा है। आज 19 जुलाई है, आज भी दोस्तों बहुत सारे जगहों से दोस्तों एक ही दिन में सारा चीज कंडक्ट करा दिया गया और बहुत ही स्पीडली कराया गया। आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहता है दोस्तों, तो 5:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम रहता है। देश के 12 सेंटर्स की आपको जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। गुजरात के सेंटर्स में दोस्तों क्या हुआ है कि अब की बार गुजरात में जो भी बच्चों का फिजिकल पड़ा हुआ है उनका कोई भी दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया है। हाइट में भी दोस्तों बहुत बच्चों को नहीं काट रहे हैं, तो आपका जो वहम था और जो डर था वो डर भी आप मिटा दो, क्योंकि हाइट में बच्चों को नहीं काटा जा रहा है, मैक्सिमम बच्चों को हाइट में पास कर दिया जा रहा है। अब आपका 2 से 3 सेंटीमीटर कम है तो उसमें आपको बाहर निकाल दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आपका हाइट 166 सेंटीमीटर भी है तो आपको पास कर दिया जा रहा है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत बच्चों को हाइट और चेस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम सारे सेंटर्स में हाइट और चेस्ट में पास कर दिया जा रहा है। और बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट में, देखिए दोस्तों देश के कुछ सेंटर्स हैं जैसे गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, ऐसे कुछ सेंटर्स में आपके जो ट्रेड टेस्ट हो रहे हैं उसमें बच्चों को नहीं काटा जा रहा है, मैक्सिमम सारे बच्चों को ट्रेड टेस्ट में पास कर दिया जा रहा है। अगर आपको आता भी है तो सही है और नहीं भी आता है तो सही है। जैसे मैं कुक वाले ट्रेड की बात कर रहा हूँ, कल मैं एक लड़के से बात कर रहा था और आज सुबह भी मेरे को 3 लड़कों का फोन आया था और तीनों सिलेक्टेड है और उन्होंने ये बताया कि भैया हमारे कुकिंग ट्रेड में क्या हुआ। तो हमें सिंपल से जब हमने कुकिंग ट्रेड का आंसर देने के लिए हम गए वहां पे, मतलब एग्जामिनेशन देने के लिए, तो हमारे पास एक रोटी था दोस्तों जो आगे से ही साना हुआ था आटा, बस उसका गोल करना था और उसके बाद आगे बढ़ना था, सब्जी को दोस्तों काट देना था। आपको काटने आए चाहे नहीं आए कोई उसका दिक्कत नहीं, बस उसको काट देना है, आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, काट के आगे बढ़ जाना है। फिर आप जाओगे तो मसाले रखे हुए, मसालों को भैया हमें पूछा गया कि ये मसाला क्या है, ये मसाला क्या है, आपको आए तो भी सही है नहीं आए तो भी सही है, लेकिन उसका नाम आपको कुछ ना कुछ बोल के वहां पे जाना है। तो आपको दोस्तों पास कर देने कुक वाले ट्रेड में। सफाई वालों का भी दोस्तों यही हो रहा है, आपको झाड़ू पकड़ा के झाड़ू मारने के लिए बोला जा रहा है, झाड़ू मारने के बाद आप आगे जाओगे तो आपको दोस्तों पोछा लगाने के थोड़ा सा कहा जाएगा। एक सेंटर है जहां पोछा लगाने के लिए भी कहा गया, पोछा मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा दूर से पोछ के दिखा देना है कि आपको पोछने आता है कि नहीं, पोछा मारने के बाद थोड़ा जाएंगे, 2 फिनाइल का नाम बताएंगे सिलेक्टेड दोस्तों आपके सफाई वाला में। उसके बाद दोस्तों आपके वाटर कैरियर के भी है, तो वाटर कैरियर के 2 लोग गए तो वाटर कैरियर में दोस्तों सेम टाइप क्वेश्चन पूछा गया, उनको भी दोस्तों सब्जी काट के दिखाना पड़ गया और सब्जी का नाम कुछ पूछा गया, ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस सब्जी को क्या बोलते हैं, और दोस्तों गरम मसाले का नाम कुछ पूछा गया वाटर कैरियर वालों के ट्रेड में बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों ज्यादातर मैं बता रहा हूँ बार्बर वाले ट्रेड में क्या हुआ, थोड़ा सा बाल काटने के लिए दिया गया। और दोस्तों कल क्या था, कल कुछ सेंटर में बच्चों को रिजेक्ट किया गया था, बट आज दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आज दोस्तों बहुत कम सेंटर में बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है। हमारे जो दोस्तों 12 सेंटर से जो मुझे बच्चों ने कॉल करके बताया था, पूरा 12 सेंटर का मैं जानकारी दे रहा हूँ, 12 सेंटर में से बहुत कम बच्चे हैं, मतलब 1-2 ऐसे सेंटर है जहां बच्चों को काटा भी जा रहा है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों को बाल काटने आए चाहे नहीं है, नॉर्मल आपको कैंची पकड़ना आता है और काटने आता है तो दोस्तों आपको पास कर दिया जा रहा है। तो ट्रेड टेस्ट में दोस्तों बहुत ही मैक्सिमम बच्चे पास हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, और फिजिकल में भी ज्यादा बच्चों को नहीं काटा जा रहा है। और दोस्तों ऐसे भी दोस्तों जगह है जहां पे दोस्तों वही आपका गुजरात का मैं बता रहा हूँ कि ऐसे दोस्तों जगह है जहां बच्चों अगर लेट से पहुंच रहे तो भी उन्हें भगाया नहीं जा रहा है, उन्हें रखा जा रहा है। और दोस्तों अगर कुछ इश्यू होता है तो कल के लिए दोस्तों उनके एडमिट कार्ड में लिख दिया जा रहा है, कल भी आप आके कल वाले बच्चों के साथ आप फिजिकल दे सकते हो, ट्रेड टेस्ट दे सकते हो। तो इतने अच्छी दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब अभी क्या है दोस्तों, अभी आप सबसे पहले जब सेंटर में जाओगे तो आज का अपडेट बता देता हूँ, मैक्सिमम बच्चे पास हुए हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट आकार है बच्चे फिजिकल पास हो रहे हैं, बस दोस्तों रनिंग में जो बच्चे फेल हो रहे हैं। और दोस्तों कुछ कुछ सेंटर्स में 200 बच्चे बुलाए गए थे एक दिन में, और दोस्तों 50-50 बैच करके दोस्तों 4 बार रनिंग कराया गया, कुछ सेंटर्स की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ सेंटर्स में दोस्तों 250 बच्चे बुलाए गए हैं, और जहां पे दोस्तों कितने की रनिंग हुई दोस्तों मैं बता देता हूँ, 2 ही दोस्तों बैच की रनिंग हुई, जिसमें एक बैच में 100 बच्चे और एक बैच में 100 बच्चे करा के रनिंग करा दिया गया। तो दोस्तों अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, जैसे वहां पे दोस्तों ये है उसी हिसाब से कर रहे हैं। और बिहार वाले सेंटर की बात करें तो बिहार में बच्चों को रिजेक्ट किया गया 2-3 सेंटर से, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम वहां पे भी जो दोस्तों 3 सेंटर है वहां पे भी दोस्तों पास कर दिया जा रहा है बच्चों को। दिल्ली में भी दोस्तों यही हाल है, दिल्ली में मैक्सिमम बच्चों को ट्रेड टेस्ट में पास कर दिया, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो दोस्तों फेल कर रहे हैं ट्रेड टेस्ट में, नहीं दोस्तों मैक्सिमम आपके बच्चों को ट्रेड टेस्ट में पास कर दिया रहा है। और कुकिंग वाले ट्रेड में मैक्सिमम सारे स्टेट से यही पूछा जाता है, एक स्टेट में आपको रोटी बेलने के लिए कहा गया था, एक में दोस्तों रोटी फुला के आपको दिखाने के लिए कहा गया था,
गोलकी को, ठीक है, कैसे फूलता है रोटी, और दोस्तों पूरी कितने आंच में आप पका सकते हो अच्छी तरह से। ऐसे भी दोस्तों ट्रिक क्वेश्चंस आए हैं कुछ कुछ स्टेट में। और सफाई वाला के बता दूं, सफाई वाला के लिए दोस्तों ज्यादातर बच्चों ने कुक और सफाई वाला के लिए अप्लाई किया, जैसे सफाई वाला के बता देता हूँ सफाई वाला के लिए क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों सफाई वाला के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको कितने पानी में डिटॉल डाल के उसको साफ करना पड़ता है, एक बाल्टी पानी में डालोगे कितने पानी में डालोगे तो अच्छे साफ होगा, घर का दोस्तों साफ सफाई कैसे करना है, झाड़ू कैसे पकड़ना है, झाड़ू कैसे बनाते हैं, झाड़ू बनाने के लिए कितना दोस्तों बेड का जरूरत पड़ता है। ऐसे भी कुछ जगह है जहां से इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप सबको। और दोस्तों मैं बता दूं देश के बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आपके पास अपने एग्जाम मिस भी कर दिया है, आपका आज एग्जाम था आप नहीं जा पाए, तो कल जाके दोस्तों आप प्रॉब्लम बताओगे तो कुछ कुछ सेंटर्स में अलाउ कर रहे हैं, मतलब आज दोस्तों आप एग्जाम नहीं भी दे पाओगे तो कल भी दोस्तों जाके आप एग्जाम दे सकते हो और दोस्तों अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो इस टाइप के हो रहे हैं, 12 सेंटर से अपडेट है, बहुत ज्यादा बच्चे लार्जेस्ट आकार में पास हो रहे हैं, ट्रेड टेस्ट में बहुत कम बच्चों को काटा जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्रेड टेस्ट में बहुत, अगर आपका सेंटर अच्छा हुआ तो ट्रेड टेस्ट में दोस्तों कुछ भी नहीं है, अगर आपको आए तो भी पास, नहीं है तो भी पास। और दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में किसी को नहीं काटा जा रहा है, तो इसका अफवाह में आप ना रहे, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसा भी हो आपको एक्सेप्टेबल है। और दोस्तों किसी को भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में नहीं काटा जा रहा है, सबसे अच्छी बात है। और हाइट भी दोस्तों आपका 1 इंच अगर कम भी है तो दोस्तों ऐसे नहीं कि एसएससी जीडी की तरह सबको भगा दिया जा रहा है, नहीं दोस्तों उनको भी एक्सेप्टेबल किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में हाइट और दोस्तों चेस्ट में बहुत कम बच्चों को काटा जा रहा है, मैक्सिमम में दोस्तों 100 में से 1 बच्चों को काटा जा रहा है। बहुत सारे सेंटर से, बंगाल के सेंटर है आपके, आसाम के सेंटर है, दिल्ली के सेंटर है, बिहार के सेंटर है, सारे सेंटर से रिपोर्ट मुझे मिल रहा था, सब बच्चे मुझे कॉल करके बता रहे हैं। तो ऐसी पूरी जानकारी मैं आपको देते रहूंगा, सारे सेंटर्स की जानकारी। और दोस्तों फिजिकल में बहुत लार्जेस्ट आकार में बच्चे पास हुए हैं, अगर किसी सेंटर में 200 बच्चे आते हैं तो 200 में से 120 बच्चे पास कर रहे हैं फिजिकल। और दोस्तों ज्यादातर बच्चे जो कटते हैं वो फिजिकल में कट जाते हैं, जो रनिंग आपकी होती है उसमें कट जाते हैं, जो 5 किलोमीटर की रनिंग है, रनिंग भी दोस्तों कितने बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन ट्रेड टेस्ट में बहुत कम बच्चे कट रहे हैं। अगर आप रनिंग पास कर लेते हो, हाइट चेस्ट आपका है ही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोस्तों मैक्सिमम ये भी पास कर जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। देश की 12 सेंटर्स की बात कर रहा हूं, बहुत लार्जेस्ट आकार में बच्चे पास हुए हैं आज की डेट में भी दोस्तों, 19 जुलाई की आज अपडेट दे रहा हूं, बहुत लार्जेस्ट आकार में बच्चे पास हुए हैं, कांग्रेचुलेशन। हाइट चेस्ट में बहुत कम काटा जा रहा है, तो अब की बात दोस्तों अच्छे से रहना है और आपका बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका फिजिकल है दोस्तों, 19 जुलाई की मैंने अपडेट दे दी है, देश के 12 सेंटर से अपडेट है ये, 12 सेंटर्स की भी, अभी एक ही सेंटर की अपडेट है, 12 सेंटर्स में दोस्तों इसी टाइप का हो रहा है। और झाड़ू दोस्तों कैसे पकड़ते हैं, कैसे बनाते हैं, कुकिंग में दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, मसालों का नाम भी पूछा जा रहा है, बस मसाले रख दिए जा रहे, मसाला का नाम आपको रोटी वहां पे रख दिया है, खाली आपको बेल के निकल लेना है, आगे जाओगे सब्जी काटोगे आगे निकल लोगे, फिर वहां पे जाओगे फिर वहां पे आपको सब्जी मसाले का नाम बताना है बस, क्योंकि कैमरा चल रहा है, वो लोग सर बोल रहे हैं कैमरा चल रहा है इसीलिए वहां पे आपको बताना है, और कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आपको 5:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, अंदर जाओगे तो फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल खत्म होने के बाद हाइट टेस्ट होता है, वेट होता है, वेट कैटेगरी के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और ट्रेड टेस्ट के बाद सुने बायोमेट्रिक में बहुत टाइम लग रहा है, बट दोस्तों सारा काम मैक्सिमम आपका 1 बजे तक खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अभी जो मेरे पास अपडेट आया है ये अपडेट मैंने आपको दे दिया है, और दोस्तों ऐसे ही अपडेटेड न्यूज के साथ दोस्तों कवर में करते रहूंगा बीएसएफ ट्रेड्समैन के फिजिकल को। और दोस्तों मैं अपने 12 सेंटर्स की जानकारी आपको दे दी है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपका भाई सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल लाते रहता है। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव के साथ, जय हिंद जय भारत, गर्व से कौम हिंदुस्तानी है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बस दोस्तों ज्यादा इतना ही कहना चाहूंगा, कष्ट पड़े कठिनाई आए पीछे पांव मत रखना, कांटों में गुलाब खिलते हैं, कांटों से क्या डरना, समक्ष पर्वत हो सागर हो साहस कभी ना खोना, जितना तपता है उतना ही एक चमकता सोना, हार जो कभी नहीं मानता जीत उसी की होती, तो हार मत मानिए और आपका जीत होगा। और मैक्सिमम दोस्तों ट्रेड टेस्ट में बहुत बच्चे पास हो रहे, तो ट्रेड टेस्ट में आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, फेल नहीं हो रहे, मैं 12 सेंटर्स की जानकारी दिया हूं आपको टोटल, ठीक है। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, नीचे मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है, आपने चाहो तो वहां पे दोस्तों फॉलो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके मुझे फॉलो करो टेलीग्राम और दोस्तों इंस्टाग्राम पे। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।